अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आफ्टर सो लॉन्ग आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन माय चैनल एंड आफ्टर सो लॉन्ग आई एम डूइंग वॉइस ओवर ऑन माय वीडियोस, जो कि मैं स्टार्ट में किया करती थी बहुत शुरू में। उसके बाद मैं म्यूज़िक के साथ वीडियोज़ अपलोड करने लग गई थी, काफ़ी दिन से वही चल रहा था। और फ्रॉम नाउ ऑन अब अपलोड लाइक दिस, और मैं वीलॉग की फॉर्म में वीडियोस शेयर करूँगी जिसमें कुकिंग भी होगी और बाकी चीज़ें भी। आई विल शेयर विद यू गाइस इंशाल्लाह। तो रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। तो आज मैं मज़ेदार ये चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, चिकन चाउमीन विद वेजिटेबल्स। ये मैंने चिकन ली है जिसको मैंने जूलियन फॉर्म में, स्ट्रिप्स की फॉर्म में कट कर लिया है, और इसकी मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है, लाइट सोया सॉस ऐड किया है, एक डार्क वाला भी आता है। और ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया है इसमें, और ये कॉर्नफ्लोर जा रहा है इसमें, इसके अलावा ये मैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बेसिकली ऐड कर रही हूँ। तो ये बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं चिकन को ही मैरिनेट कर रही हूँ। और चाउमीन की रेसिपी डिफरेंट होती है स्पेगेटी से, जैसे यूजुअली स्पेगेटी हम लोग बनाते हैं उसमें हम साथ साथ चिकन फ्राई करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये मैंने मैरिनेट कर लूँगी मैं इसको आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर सेट असाइड। और अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ चाउमीन की सॉस। इसके लिए भी मैं सोया सॉस ले रही हूँ। और इसके अलावा इसमें हॉट सॉस मैंने ऐड की थी, सिराचा मेरे पास थी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ले सकते हैं जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने सिरका ऐड किया है, और अब मैं इसमें ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। यूजुअली टिपिकली जो चाउमीन की रेसिपी होती है उसमें सीसम ऑयल जाता है, सीसम ऑयल डलता है, तो सीसम ऑयल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप वो डालें। और मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है, और ये मैंने ऐड की है इसमें ब्राउन शुगर, आप वाइट भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यस, सॉल्ट रह गया था, सॉल्ट भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें। एवरीथिंग यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसे आपका टेस्ट हो उस हिसाब से आप इसकी सॉस प्रिपेयर करें। जो चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हॉट चाहिए तो आप ज़्यादा हॉट सॉस मिला लें, जितना आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से इसकी आप इस तरह के सारे इन्ग्रीडियंट्स मिला के अच्छी सी सॉस प्रिपेयर कर लें। चाउमीन के लिए बेसिकली हमें सॉस प्रिपेयर करनी पड़ती है, जो कि मैंने कर ली है इसको हम। और ये कुछ वेजीज़ इसमें जाएंगी, 4 to 5 वेजीज़ मैंने ली थी, और ये फ्लैट नूडल्स मैंने लिए हैं, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे, उसके लिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू पैकेज आप इसको बॉईल कर सकते हैं, सिंपल जैसे कि हम यूजुअली पास्ता बॉईल करते हैं। और उसमें मैं ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डाल रही हूँ, और ये सॉल्ट भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स करके पानी को बॉईल करेंगे, बबल्स आना शुरू होंगे तो फिर हम ये नूडल्स ऐड कर देंगे। ये बेसिकली जो चाउमीन बनता है वो एग नूडल्स से, या मतलब नूडल्स डलते हैं इसमें। मुझे ये पैकेज के ये आई थिंक स्पेगेटी टाइप ही होता है, बस ये फ्लैट नूडल्स इसमें यूजुअली डलते हैं, तो ये मुझे मिले थे तो मैं ये लेकर आ गई थी। और मैंने इसको ब्रेक नहीं किया, वरना मैं स्पेगेटी वगैरह को ब्रेक करके डालती हूँ। मैंने ऐसे ही डाल दिया था पूरा, और जैसे जैसे ये पकता जा रहा था मैं इसको अंदर करती जा रही थी, 1 मिनट में ही पूरा अंदर चला गया था। और ये डन हो गए विद इन 8 to 9 मिनट्स, ये कुक हो गए थे। और मैं इसे ड्रेन करने के लिए लेके जा रही हूँ। जी, ड्रेन कर लिया मैंने इसको। ड्रेन करने के बाद मैं इसमें टैप वाटर थोड़ा सा डाल रही हूँ, और अब मैंने इस पर 1 teaspoon और 1/2 tablespoon के करीब ऑयल ड्रिजल कर दिया है, और उसको टॉस कर लिया है। इससे ये होता है कि ये स्टिक नहीं होती, अच्छे से शाइनी से हो जाते हैं, और
अच्छी सी इनकी शक्ल रहती है, वरना आप ना भी डालें तो इट्स फाइन। बहुत सारे लोग नहीं डालते क्योंकि आप पानी में भी ऑयल डाल रहे होते हैं, बट मैं ये ऐड करती हूँ तो इससे ये स्टिकी नहीं होते, इसकी शक्ल अच्छी सी रहती है, और देर तक भी अगर रखे रहें तो ये सही रहते हैं। और अब मैंने ये पैन ले लिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है 1 to 2 टेबल स्पून, और जो मैंने चिकन मैरिनेशन के लिए रखी थी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। फुली आपको इसको कुक कर लेना है, मतलब फ्राई करते करते ये पूरी तरह से इसको अच्छा सा, इसको गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छा सा फ्राई करना है, और इसी में ये गल भी जाएगी 4 to 5 मिनट्स में ही। तो स्टर फ्राई करते करते और थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको करेंगे, तो और बहुत अच्छा सा इसका एरोमेटिक हो गई थी, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया था, फ्यू इंग्रेडिएंट्स इसमें गए थे बट ये बहुत मज़े की बनी थी। चिकन ही आप इस तरह से बना के मतलब खाएं तो बहुत टेस्टी लग रही थी, यूनिक फ्लेवर आ रहा था इसमें। तो ये हो गई है, देखें गोल्डन हो गई है और ये डन हो गई थी। फुली कुक कर लेना है हमें चिकन को, और अब मैं इसको निकाल रही हूँ एंड सेट इट असाइड, इट्स डन। यस, अब हम दोबारा से 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे, 1 to 2 टेबल स्पून के करीब पैन में, और ये मैंने डाल दी है स्प्रिंग अनियन जो कि मैंने जूलियन फॉर्म में कट कर ली थी। फ्लेम हम इस वक्त हाई रखेंगे सारी वेजीज़ को फ्राई करते हुए, और ये मैंने लहसुन लिए थे, लहसुन के जवे लिए थे 5 to 6, इसको ही मैंने जूलियन फॉर्म में कट कर लिया था, 2-3 पीस कर लिए थे और जूलियन ही रखा था इसको, और इसको हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट कुक करेंगे गार्लिक और स्प्रिंग अनियन को, एंड देन वन बाय वन हम सारी वेजीज़ ऐड कर देंगे। ये कैरेट है, ये भी मैंने जूलियन कट की है, और सारी वेजीज़ को फिर हम एक साथ ही फ्राई करेंगे, जस्ट गार्लिक एंड स्प्रिंग अनियन को हल्का सा 1 to 2 मिनट्स करेंगे। ये कैप्सिकम है 3 कलर्स में, और इसके अलावा ये पर्पल कैबेज है, पर्पल और रेड वॉट एवर यू से, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें। जो भी वेजीज़ अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और ये रेगुलर कैबेज जो होती है हमारे पास ग्रीनिश वाइट कलर में, वो मैंने ऐड कर दी है, और अब हम इन सारी वेजीज़ को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, कि अच्छी सी ये एरोमेटिक हो जाएं, बिल्कुल हमें इनका कलर ख़राब नहीं करना है, बस क्रंची सा रखना है हमें इसका, एक ये फ्लेवरफुल सी हो जाए, इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। चाउमीन में हम वेजीज़ को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, और क्रंची ही अच्छी भी लगती हैं, तो बस हाई फ्लेम पर हम इसको 2 to 3 मिनट्स कुक करेंगे, ये एरोमेटिक हो जाए, अच्छी सी शाइनी सी हो जाए, इनका कलर स्लाइट सा और वाइब्रेंट हो जाए इसका कलर ना। सारी वेजीज़ ही वैसी बहुत क्यूट लग रही थी, वाइब्रेंट कलर्स में थी, डिफरेंट कलर्स की मैंने इसमें वेजीज़ ऐड की थी, यूनिक कलर्स, तो वो सारे बहुत अच्छे लग रहे थे कलर्स एक साथ। तो बस ये डन हो गई है हाई फ्लेम पर, बस मैंने इसको 2 मिनट कुक किया है, 2 से 3 मिनट फ्राई किया है। तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आ गया था, और इसको भी हम साइड पे रख देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी सारी वेजीज़ की एक साथ फ्राई होने पर, और कलर इनका बहुत क्यूट हो गया था। अगेन हम 1 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल ऐड कर रहे हैं पैन में, और ये जो पास्ता हमने बॉईल किया था ये ऐड कर देंगे, और इसको भी हम हाई फ्लेम पर 1 to 2 मिनट्स फ्राई कर लेंगे। टू स्पून्स जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप इसको अच्छा सा पलट पलट के फ्राई कर लें 2 से 3 मिनट। बेसिकली हमें इसका जो वाटर है वो इसमें से वो करना है फ्राई करके, हाई फ्लेम पे हमने सब कुछ इसीलिए फ्राई किया है, वेजीज़ भी और ये पास्ता भी। और अब मैंने जो ये पास्ता सॉस, बेसिकली चाउमीन सॉस जो प्रिपेयर की थी वो इसमें ऐड कर दी है, वो ऐड करके भी हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर देंगे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर।
अच्छा सा इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब मैंने ये चिकन जो बनाई थी, चिकन जो फ्राई की थी, वो इसमें ऐड कर दी है। चिकन ऐड करके भी हम 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे, मिक्स करके कुक कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम। और अब ये हमारी सारी इसमें वेजीज चली जाएंगी, ब्यूटीफुल वेजीज। और इसको डाल के भी हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट। इट वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो ये हो गया है मिक्स अच्छा सा। यस इट्स रेडी। ब्यूटीफुल सी हमारी चाउमीन, चिकन चाउमीन विद वेजिटेबल्स की रेसिपी हमारी रेडी है। और मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह से वॉइस ओवर वाली वीडियोस मेरी कैसी लग रही हैं। फ्रॉम नाउ ऑन मैं इसी तरह से इंशाल्लाह अपलोड करूँगी वीलॉगिंग की फॉर्म में। और ये भी बताइएगा कि पहली वाली वीडियोस आपको कैसी लगती थी, वो ज़्यादा अच्छी लगती थी जो कि वॉइस ओवर के साथ होती थी सब टाइटल्स के साथ, या ये ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।